हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओट्स उपमा। उसके लिए चाहिए होगा एक ग्लास ओट्स, मैं ली हूँ। इसको आप थोड़ा भून भी सकते हैं। और ये है बीन्स, ये प्याज एक ठो, एक गाजर का छोटा छोटा टुकड़ा, टमाटर दो ठो मैं ली हूँ, और थोड़ा करी लीव्स, थोड़ा सा चीनी, ये घी ली हूँ 2 टेबल स्पून, ये मेरा ये टेम्परिंग के लिए मैं ली हूँ, उड़द दाल 2 टेबल स्पून एंड जीरा 1 टेबल स्पून, चना दाल 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा करी पाउडर, सॉल्ट 1 टेबल स्पून ली हूँ, और थोड़ा सा अदरक 1 इंच का टुकड़ा किया हुआ ली हूँ। पहले मैं तेल में डालूँगी ये सारा जो है टेम्परिंग के लिए ली थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं सब टेम्परिंग के लिए जो जो ली थी डाल दी, उसके बाद मैं अदरक को डालूँगी, जो अदरक का टुकड़ा ली थी उसको डाल दूँगी, और करी लीव्स भी डाल दूँगी। थोड़ा सा फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, चलाएंगे भी डालेंगे, पहले भी गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे थे उसको डाल देंगे। गाजर के बाद हम डालेंगे बीन्स और लॉबस्टर। अगर फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, इसको भूनेंगे। गाजर में अभी मैं बीन्स को भी डालूंगी, फिर बहुत हेल्दी होता है ओट्स का उपमा जो है, फिर थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा। 1 गिलास ओट्स के लिए मैं 3 गिलास पानी का यूज करूंगी। इसमें प्याज और हरी मिर्ची जो 2 ली थी सब डाल दूंगी। इसको अच्छे से भूनना है हमको, अभी पूरा लाल नहीं करना है, थोड़ा बॉईल हो जाए उसमें हमको पानी डाल देना है, टमाटर और थोड़ा करी पाउडर और पानी से डाल देना है। देखिए हमारे जो सब्जी था जितना डाले थे सब भून गया, इसमें अभी हम टमाटर को डालेंगे, 2 में टमाटर ली थी, थोड़ा करी पाउडर ली थी उसको भी डालेंगे, और सॉल्ट जो ली थी वो 1 टेबल स्पून डालेंगे। सॉल्ट तो हम अपने हिसाब से ही लेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको थोड़ा सा भून कर हम इसमें पानी डालेंगे। हम जो टमाटर डाले थे वो अभी भून गया, अभी हम 1 गिलास ओट्स लिए हैं उसके लिए 3 गिलास पानी का मैं यूज़ करेंगे। देखिए इसको थोड़ा उबलने के बाद इसमें घी और ओट्स को डालेंगे, ये थोड़ा पानी पानी रहेगा ऐसे तो अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पानी था वो उबल गया, तो उसमें मैं घी 1 टेबल स्पून ली थी उसको डाल दूंगी, और ओट्स को डालूंगी धीरे धीरे। देखिए मैं 1 गिलास ओट्स के लिए 3 गिलास पानी ली हूँ, इसको याद रखना। तो इसको थोड़ा स्लो फ्लेम में रखकर थोड़ा 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे, बाद में उसको मिलाएंगे। इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, देखिए मैं अभी बंद कर दूँगी फ्लेम को। ये हो गया, थोड़ा सा उबल जाए इसको कवर कर दूँगी मैं और बंद कर दूँगी फ्लेम को। देखिए फ्रेंड्स, ये ओट्स उपमा जो है वो तैयार हो गया, ऐसे रहेगा, थोड़ा सूखी सूखी थोड़ा पानी जैसे रहेगा। इसको सूख के बाउल में हम सर्व करेंगे और खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओट्स उपमा तैयार हो गया, हम ऐसे सूप बाउल में ही इसको सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।